हम मोहन भगवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं नहीं, औलाद पैदा करो उसकी निकालेंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। TFR रेट हर कम्युनिटी का गिरा है, सबसे ज्यादा TFR रेट गिरा है रिलीजन वाइज मुसलमानों का, मगर अभी भी हिंदू समुदाय का TFR रेट वो मुसलमानों में फर्क है। अब मगर ये जो स्टेटमेंट आज बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं अगर वो सच है और आप सच ही बोलेंगे कि बच्चे पैदा करो, तो मोहन भगवत जी को बोलना चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे, वो डिसाइड कर लो। अब क्या 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 बोले बोलिए, नहीं आप पढ़ के सुनाओ भाई, नहीं आप बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। मोहन भागवत ने कि दो से ज्यादा बच्चों की पैरवी बोले जिस समाज का प्रजनन दर 2.1 से कम है वो विलुप्त हो गए, मतलब खत्म हो जाए। फिर हमको क्यों बच्चे पड़े गए? आप माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह 6 हैं। अपनी मोहन भगवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे CM यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की, क्या है स्कीम बता दो।